अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ैनब नुमान। मैंने रिसेंटली ये आई मेकअप क्रिएट किया था और इसका ट्यूटोरियल अपने मेन मेकअप चैनल पर आपके साथ शेयर किया है। तो जब मैं ये लुक क्रिएट कर रही थी तो मेरे हस्बैंड घर आ गए रात का एक का टाइम है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मुझे बताएं ये मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। आगे आप उनका रिएक्शन सुन लें। इंटरनेशनल किस्म की मेरी बिस्ती हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मान प्लीज, जरा सीरियस और सच्चा सच्चा बोलना, झूठा झूठा ना बोलना, मजाक ना करना प्लीज। यार उठो, वो खाना आपने खाना खाना है? अच्छा, मैंने मेरी थोड़ी सी थोड़ा सा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा बोलने में इतनी घंटे की मेहनत की है यार। एक मिनट देख लें, एक मिनट गौर से देख लें। क्या मैं देख लूं इसको? सही लग रहा है कि नहीं? मान सही तरफ टाइना आधा मुंह देखे मेरा। मान अच्छा मैं खाना देती हूँ जल्दी, नहीं तो मैंने बोलना नहीं, मैंने आपको वैसे भी बुलाना नहीं। कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है, जैसे पहले लगता है। थैंक यू। सिनान आप बताओ, सिनान आप बताओ मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? आज तो कलर गंदा लग रहा है, कट्टी मैं बोलती नहीं आपसे। अब सुन लिया आपने जनाब, इतनी मेरी बिस्ती हो गई है क्योंकि मेरा तो रोज़ का काम है, मैं रोज़ मेकअप करना है। तो वो बेचारे कितना को मुझे देखे और इवन कि उन्हें डिफरेंस ही नहीं पता, वो कह रहे पहले जैसा लग रहा सेम टू सेम लग। और रात भी काफ़ी टाइम हुआ हुआ था, उन्होंने खाना भी खाना था। तो खैर अभी मैं रिमूव करने लगी तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मैंने लैशेज यूज़ की हैं वो रिदा जैन की मिड नाइट इनका नंबर है स्टाइल, जो कि बहुत ही लाइट वेट और प्यारी लग रही हैं। अगर आपको भी ये लैशेज बाय करनी हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिदा जैन का डाल दूँगी, और आप मेरा कोड अगर यूज़ कर लोगे जैनब 2 तो आपको मज़ीद 5% ऑफ मिलेगा। और आपको लैशेज जब भी उतारनी है तो बहुत ही आसान तरीका है, एक साइड से पकड़ के आराम से आप निकाल दीजिए। और लैश ग्लू मैंने यूज़ की थी स्वीट टच की, जो कि बहुत अच्छी है, जब तक आप अपने हाथ से खींच कर नहीं उतारते ये कहीं पे भी नहीं उतर के जाती और आपका फंक्शन ख़राब नहीं करती। अक्सर उकात लैश ग्लू कोई इतनी अच्छी ना हो तो लैश सेंटर से या सॉरी साइड से वो टक नहीं रहती, उतर जाती है, जो कि अच्छी नहीं दिखती। तो अभी मेरा आई मेकअप का आप देख सकते हैं सारा कमाल लैशेज़ का था और जो कि गंजा हो चुके मेरी आईज़। तो और लेंसेज जो मैंने यूज़ किए हैं वो TTDI के रियल खाकी इनका नंबर है, और ये पाकिस्तान में भी आपको ऐसा शेड मिल जाएगा। आई बैंक के भी मैंने सेम टू सेम ऐसे वाले लेंसेज काफ़ी दफ़ा शेयर किए हैं आपके साथ। ये लेंसेज जो हैं इतने ज़्यादा मुझे सूट नहीं करते, लेकिन मैंने अरेबिक आई मेकअप के लिए यूज़ किए थे। आप मेरे दोनों आईज़ में डिफरेंस भी देख सकते हैं, मैं इतनी जिन भूत डरावनी किस्म की लग रही हूँ। खैर लेंसेज निकालने का भी बहुत आसान तरीका है, ब्लैक बोल से आप आराम से साइड पर कर लीजिए और दोनों फिंगर की मदद से आप आराम से उसे बाहर निकाल लें, और इनके केस में फ़ौरन आपको वापस रखना है और हमेशा वॉश करके रखें ताकि आपके लेंस जो है ज़्यादा लंबे अरसे तक चल सकें। और अभी मैं बाकी रिमूवर से जो है मेकअप रिमूवर से अपना मेकअप रिमूव कर दूँगी, और इसके बाद मैंने उन्हें खाना पहले ही दे दिया था। तो ये नेक्स्ट डे है, इसके बाद थोड़ा सा काम काज कर लेते हैं घर का। मैं डे टाइम में ज़्यादातर बच्चों का और घर का काम काज में लगी रहती हूँ, और जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है या रात में जब सारा फ्री हो जाती हूँ तो मैं अपना आई मेकअप कर लेती हूँ। तो आज फ्राइडे है आई थिंक, ये पुराना व्लॉग है, तो मुझे बनाने हैं पुलाव और साथ में मैं सैलड बनाने बैठी हूँ। पुलाव मेरा तकरीबन आधा रेडी नहीं, जुम्मे को हो गई थी बारिश लाहौर में, काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब था ठंडा, तो इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं था, हमारी गैस फ़ौरन से चली गई। और इतना मुझे स्यापा कह सकते हैं आप पड़ा है ना एक चावल बनाने में कि मेरा पूरा दिन लग गया उसमें, पहले यखनी बनाने की वजह से क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा स्लो थी। तो अभी मैं सैलड बना रही हूँ और मेरे बच्चे जो हैं साथ साथ मेरे बैठे हुए, और मैं मोबाइल पे जो है सर्च कर रही हूँ। मैं इतने दिनों से मैं क्या बताऊँ, मैंने सारे ड्रामे देखने छोड़ दिए हैं, क्योंकि अगर मैं ड्रामे देखूँ तो मैं अपने ड्रामे नहीं बना सकती, लाइक मैं अपने आईज़ मेकअप और फिर ब्लॉग्स नहीं बना पाती। तो मैंने यही सोचा कि मैं बिल्कुल कट ऑफ कर रही हूँ अपनी हर पर्सनल जो मेरी ख्वाहिश है। पहले मैं बहुत देखती थी ड्रामे भी, और बिग बॉस तो अब खैर ख़त्म ही हो गया, तो मेरा दीप चले मैंने कहीं दीप चले जो ड्रामा है वो स्टार्ट किया है, तो मैंने सोचा बस इसी को कैरी कर लेती हूँ और इसको ख़त्म करती हूँ, क्योंकि जो शुरू किया हो फिर वो बीच में रह जाए तो मेरे तो जहन में वो खटकता रहता है। तो उसके एपिसोड मैं देख रही हूँ, और ऑलरेडी मैं इसके 2-3 एपिसोड मिस भी कर बैठी हुई हूँ, तो मैंने वो भी अभी देखने हैं। तो मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, उनके जो
जो प्रोमोज होते हैं वही देख के गुजारा कर लेती हूँ और बाकी कहानियाँ खुद ही से बना लेती हूँ। कैसे ऐसे हुआ होगा, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों का आजकल फेवरेट ड्रामा कौन सा है और कौन सा आप ड्रामा देख रहे हो। पहले मैं ड्रामा बड़े तसल्ली से आराम से बैठ के देखती थी, तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती। अब मैंने जब भी कोई कुकिंग का काम करना हो या कपड़े प्रेस करने हो तो साथ में ड्रामा लगा लेती हूँ ताकि एक तीर से मैं दो निशाने मार सकूँ और मेरे दोनों काम टाइम पर हो जाएं। और कहीं दीप जले ड्रामे की जो स्टोरी है काफ़ी मज़े की है, मुझे अच्छी लगती है। और सबसे मज़े का जो मुझे इसकी OST लगती है कसम से यार बहुत ही मज़े की, आप लोग भी ज़रूर सुनना, बहुत ही अच्छी है इसकी OST और स्टोरी भी अच्छी है। लेकिन इसमें जो ये बंदा है ना, ये स्टूपिडिटियाँ जो मारता है इसका, वो मुझे थोड़ा मेंटल केस लग रहा है। तो इसके बाद आंटी की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, नीलम का बड़ी अच्छी एक्टिंग है, बस मुझे इसी की इनका नाम भूल गया, ऐसा ना बहुत से अपने ऐसे नहीं पता नहीं क्या नाम है इनका ही नहीं मुझे करेक्टर पसंद, बिल्कुल भी डंप सा है, अजीब है ये इसमें ना इसका करेक्टर। अच्छा जी, जो खाना है हमारा फाइनली रेडी हो गया, बन गया है। हम लोगों को आज जाना है बच्चों का रिज़ल्ट लेने भी, तो मसा मसा ही मेरा खाना बना है पूरा दिन गुजारने के बाद। तो अभी मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ और हम भी अपने बचपन में पुलाव में से या चावलों में से के हर चीज़ निकाल के बाहर रखते थे, तो अभी मैं भी बच्चों को खिलाते वक्त पहले ही सारा कुछ बाहर निकाल देती हूँ। और मैंने साथ सैलड बना लिया था, सैलड से पता है चावलों का जो मज़ा है दो गुना बढ़ जाता है। आप में से चावलों का कौन कौन फ़ैन है, चावल का, पुलाव का, बिरयानी का? और जुम्मा जो है वैसे ही राइस डे है, तो अभी हम खाना खाएंगे, इसके बाद मैं जल्दी जल्दी रेडी हो रही हूँ क्योंकि 5 बजे बच्चों का रिज़ल्ट टाइम था और छोटा मोटा कोई फंक्शन भी था उनका एनुअल प्राइसेस का। तो हस्बैंड तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो फ्राइडे को उनका ज़्यादा ही बिजी डे होता है, एक दिन होता है, जाते तो वैसे डेली हैं वो, सच घर में कहाँ होते हैं, लेकिन फ्राइडे को ज़रा और भी उन्होंने मतलब पुख्त क्या कहेंगे मतलब जाना होता है ज़रूर ही। तो सेकंड टाइम था ऊपर से 5 बजे, तो उन्होंने मुझे बोला तुम अकेले चले जाना बच्चों को लेकर, मैंने कहा चलें ठीक है जनाब। तो इसके बाद मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी से रेडी किया और मेरा यही प्लान था कि मैं रिक्शे पे चली जाऊंगी क्योंकि स्कूल बहुत ही करीब है। तो जब मैं नीचे आई तो अब्बू ने बोला कि नहीं आप गाड़ी ले जाओ, फिर हम मैं और बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। अभी मैंने आपसे शेयर किया था ना कि लाहौर में बारिश थी, तो मुझे बिल्कुल भी थोड़ा थोड़ा आइडिया था सुबह से, क्योंकि ग्राउंड में उन्होंने फंक्शन का इंतज़ाम किया होगा तो मौसम ख़राब होने की वजह से मे भी कैंसिल हो गया हो। मैंने इनके मिस को मैसेज भी किया लेकिन मुझे स्कूल कॉल करना भूल, तो मुझे यही डर था कि मे भी कैंसिल ना हो गया हो, लेकिन खैर फिर भी हम तैयार शैर होकर चले गए और वही हुआ जिसका मुझे थोड़ा थोड़ा सुबह से डर था कि मे बी फंक्शन जो है कैंसिल हो गया हो या आगे हो गया हो, तो वही हुआ। तो चौकीदार ने बताया कि जनाब हमने तो आगे कर दिया है, मंडे को है अब। तो मैंने कहा आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया, उन्होंने बोला नहीं हमने सबके घर कॉल की हैं। मैंने कहा ना मुझे कॉल आई ना हस्बैंड को कॉल आई, खैर अब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो बच्चों ने फौरन ही प्लान बनाना शुरू कर दिया, मामा यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, धोखा हो गया फंक्शन ही कैंसिल हो गया, स्कूल आया और कैंसिल हो गया और पैसे लेके घर से निकल आना, तेरे पापा को फोन फिर लेते हैं, फिर कहाँ लेते हैं घर नहीं पार्क बाहर किस लिए फिर लेते हैं घर चले फिर पार्क पार्क कहाँ फिरने घर चले मैं पार्क चली हूँ कौन से पार्क मैं बताता हूँ मैं पैसे भी नहीं ना लेकर आई मुझे याद ही नहीं है जल्दी मैंने कोई बरस नहीं पकड़ा अपना मैं तो पार्क में कौन से पार्क में मैं आपको बताता हूँ इधर देखो पापा को फोन करूँगा। तो मेरे जहन में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं कोई भी वॉलेट या पर्स या पैसे साथ ले जाऊं, मुझे बस ये था हमने अटेंड करके वापस आ जाना है। और बच्चों का जो छोटा था वो तो एम्पोरियम पर जिद था और बड़ा किसी पार्क के आगे से मुझे कहता मामा यहाँ से मोड़ो नानों घर चलते हैं। मैंने कहा भाई घर जाना है, नानों के घर के किसी प्लान से नहीं निकले, लौट के वापस बुद्धू घर लौट के बुद्धू घर को जा रहे हैं, आप बुद्धू लंबा चक्कर काट के हम घर को जा रहे हैं, मेरा बड़ा बेटा डायलॉग बोल रहा था लौट के बुद्धू घर को आए और मुझे इतनी ज़्यादा हंसी इसलिए आ रही थी कि हम भी बचपन में हमेशा हमेशा जब भी पापा के साथ सैर करके वापस आते थे ना तो हम वापसी पे यही मेरे पापा भी बोलते थे हम सब लौट के बुद्धू घर को जा रहे हैं। हम लोग ना बहुत ज़्यादा फिरते थे अपने पापा के साथ, तो मसला ये था कि जितना भी फिर लेते थे वापसी घर ही होती थी, तो फिर पापा हमेशा ये डायलॉग बोलते थे बेटा जितना भी फिर लो लौट के बुद्धू घर को ही जाना है। आपका स्कूल नहीं
लेके जा रहे हैं। बाइक पे पकड़ा हुआ था अंकल ने, वो साथ साथ भाग रहा था। तो खैर मेरे बच्चे बड़े खुश हो गए और दोनों बार बार कहते हैं मामा हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं। मैंने कहा हाँ वारा गर्दी जो कर ली है। और आजकल मौसम जो है बहुत ही अच्छा हुआ है, लाइक सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियाँ आ रही हैं और सीन रोज़ ही बहुत अच्छा होता है। चलें जनाब हम पहुंच गए हैं घर और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी इनके स्कूल का फंक्शन भी सारा। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।